सफर आपने और हमने मिलकर तय किया है। जाहिर सी बात है कि इस खूबसूरत सफर से जुड़ी कई यादें हैं, कई सवाल हैं। तो बस सास बहू और सासिश ओरिजिनल प्रेजेंट्स 15 साल 30 सवाल विद आवर वेटरन एक्टर इमरान खान। हेलो सर, कैसे हैं आप? कालीन, मैं तुमको ही मैसेज कर रहा था, कहाँ रह गए? यहाँ क्या कर रहे हो आप बैठ? यार आपको ही मैसेज कर रहा था, 15 मिनट हो गए मुझे। वैसे बताइए कि आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई आपकी? यार शुरुआत तो अच्छी हुई, और मॉम को जाना था लखनऊ, तो सुबह की फ्लाइट थी उनकी, तो सुबह गए। मम्मी को और मेरी जो भांजी हैं वो दोनों लखनऊ गए हैं, हम लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने चले गए, और उसके आगे फिर दबा के नाश्ता किया, मलाई खाई, अंडे खाए। ओके, जब आप कॉलेज में थे तो आपके रूम के वॉल पे किसका पोस्टर था? मेरे रूम के वॉल पे सिल्वेस्टर स्टालन का पोस्टर था। नई एक्सरसाइज करना शुरू किया था हम लोगों ने। और अब घर में किस चीज़ का पोस्टर ज़्यादा होता है? घर में तो यार देखो, ये कुछ तुगरे हैं जिस पे अल्लाह के नाम लिखे हैं, रसूल के नाम लिखे हैं, ये सीरिया से लेके आया था मैं। आगे ये तो है शैतान ये हर जगह मौजूद है, हर किसी के घर में होता है। ओके, किस तरह का किरदार आप टीवी पे करना चाहोगे? क्योंकि आजकल सुपर नेचुरल शो बहुत ट्रेंड में है, और कोई नागिन बन रहा है तो कोई कुछ बन रहा है, तो वैसे आप क्या बनना पसंद करते? यार यही तो है ना, भीड़ चाल है कि एक नागिन हिट हो गया है तो हर किसी को अब नागिन बनाना है, हर किसी को सुपर नेचुरल बनाना है। तो आई डोंट काइंड ऑफ एग्री विद दैट। आई लाइक टू प्ले रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, आज का इंसान, एक कॉमन मैन। वैसे कौन सी मूवी लास्ट आपने देखी जिसने आपकी आंखें नम कर दी? बाकी अगर मैं रोया हूँ किसी मूवी को देख के हाल ही में, लाइक यू नो आंसुओं से, जो एक नहीं आई रिमेंबर 3-4 ओकेजन आई रियली क्राइड, दैट वॉज दंगल। वो जो बाप और बेटियों का, बेटी का जो इमोशंस है, और जिस तरह आमिर ने उस कैरेक्टर को प्रसीव किया, आमिर खान ने, ही मेड मी क्राई। अभी आपके हाथों में फ़ोन था, तो आपने लास्ट पिक्चर कौन सी क्लिक की है? लास्ट पिक्चर मैंने कौन सी क्लिक की होगी, अपने पैन कार्ड की, किसी को भेजना था पैन कार्ड, तो आई जस्ट क्लिक देन आई सेंट इट। वैसे आपकी पैन कार्ड पे पिक्चर अच्छी तो है ना? मैं बताऊं आपको, कभी भी किसी को अपने पैन कार्ड या आईडी कार्ड या सिंटा कार्ड की पिक्चर पसंद नहीं आती, और सबसे वाहियात पिक्चर होती है जो ये पैन कार्ड और ये सिंटा कार्ड की होती है। ओके, क्या ऐसी बात है जो आपके बारे में लोग जानकर चौंक जाते हैं? यही कि मैं 50 साल का होने जा रहा हूँ। आपका पहला शो कौन सा था और वो एक्सपीरियंस कैसा था? तारा, वही मेरा पहला शो था। So, and I'm very proud of that fact that I was a part of Tara in a major way. And right from when Tara started till Tara ended, it went on for more than 5 years, and I was there right in the end. So, I'm very proud of the fact, Tara. वैसे आपको कितने साल हो गए industry में? ये देखो, Tara ही शुरू हुआ था 93 में Tara शुरू हुआ था, तो उसको 26 साल हो गए। उससे पहले मैंने कुछ फिल्में की थी as a hero. तो मैंने अपनी पहली फिल्म साइन की थी 1990 में, ऑलमोस्ट 29 साल हो गए हैं माशाल्लाह। घर तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, तो इस घर की ख़ास बात क्या है और ये आपने कब लिया था? यानी घर की ख़ास बात ये है कि ये घर मेरा है, और यहाँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है, और ये जो हमारा जो एरिया भी है मॉडल टाउन, ये नॉन कमर्शियल एरिया है, यहाँ आपको एक भी दुकान नहीं मिलेगी, यहाँ कोई भी शॉप्स अलाउड नहीं है, BST बसेस, ट्रक्स, सो नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड। तो ये लेन ही काफ़ी सुकून वाली लेन है, देयर इज़ लॉट ऑफ पीस, देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रीनरी, and yeah, I find it very cozy and comfortable. My house is the best part of it. और मैंने इसे लिया था 2005. Okay, तो 14 साल हो गए आपको इस घर में, तो वैसे कौन सा हिस्सा है यहाँ पर जहाँ पर आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं? यार सबसे एक्टर का सबसे जो फेवरेट हिस्सा होता है जहाँ वो काफ़ी वक्त बिताता है, वो है आईना। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स, कि ये निकलने, यहाँ पे दरवाज़ा है तो निकलने से पहले ज़रूर यहाँ अपने आप को चेक करता हूँ, आने के बाद अपने आप को चेक करता हूँ,
ये बाल कितने कम हो रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, एंड ये मसल्स अभी भी हैं कि कम हो गए 50 साल की उम्र में, तो ये ज़रूर मैं चेक करता हूँ। सो वो सोचता है आदमी कि कुछ 10-15 सेकंड खड़े रहूँगा, लेकिन फिर कभी कभी आधा आधा घंटा हो जाता है कि आदमी आईने के सामने खड़ा रहता है। वैसे आपकी वियर्डेस्ट आदत क्या है? किसी को आप वियर्ड आदत कह सकते हैं आईने के सामने खड़ा होना। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। या आई ट्राई टू लुक इन द आईज एंड आई ट्राई टू हैव अ वेरी वार्म हैंडशेक, आई बिलीव इन दैट। वर्स्ट हैबिट क्या है आपकी? वर्स्ट हैबिट ये है कि आई स्पीक माई माइंड एंड आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट। मुझे कोई भी चीज़ नागवार लगती है या कुछ कोई आदमी नागवार हरकत करता है तो वो मेरे चेहरे पर भी आ जाता है और मैं उसे जाहिर भी करता हूँ। आई लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, दैट इज़ नॉट गुड फॉर टूडेज टाइम्स। वैसे आपकी बेस्ट हैबिट क्या है? बेस्ट हैबिट यारों का यार है, ऑल फॉर माई फ्रेंड्स, वेरी फ्रेंडली गाय। अगर एक्टर ना होते तो आप क्या हो? एक्टर ना होता तो आई वुड हैव बीन अ पायलट, और पायलट नहीं बन पाता तो फ्लाइट स्टीवर्ड बन जाता, बिकॉज आई लव टू ट्रैवल। मुझे एक जगह बैठा नहीं जाता है। यहाँ पर काफ़ी ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं तो मतलब ये मेरी एक कमज़ोरी है, खजूर। आई ईट लॉट ऑफ खजूर, मेरे सेट पे भी मेरी जो पाउच में ज़रूर खजूर होते हैं। आप लेंगे कलीम भाई? जी बिल्कुल। ये भाई अजवा खजूर हैं, ये स्पेशल खजूर हैं, मदीने के हैं, जिसे प्रॉफिट मोहम्मद हैड प्लांटेड फ्रॉम द ट्री इट इज़ ओन हैंड्स। तो ये बड़े मुबारक खजूर माने जाते हैं, इसमें बड़ी शफा है। आप भी लीजिए आतिश भाई। तो आई लव खजूर एंड दिस इज माई वीकनेस, अजवा खजूर। ओके, वैसे सेट पे कोई क्रेजीएस्ट मोमेंट बताइए जो आपके साथ हुआ, जो अभी भी याद है आपको। सेट पे क्रेजीएस्ट मोमेंट, ओके, आई वॉज डूइंग अ फिल्म संगम होके रहेगा, जिसमें आयशा जुल, बहुत पुरानी बात है ये, तारा से भी पहले की बात है, जिसमें आयशा जुल का हमारी हीरोइन थी, सुरेश ओबरॉय भी थे, मेरे फादर का रोल किए थे, और मौसमी चटर्जी, अगर आप जानते हो मौसमी चटर्जी, आयशा जुल्का की माँ का रोल कर रही थी उसमें। तो व्हाट हैपेंड इज द प्लेस वी वर शूटिंग, वहाँ हम रानीखेत में शूट कर रहे थे, तो वहाँ के ब्रिगेडियर का बंगला था, तो हमने परमिशन मांगी, उन्होंने दे दी, उनको लगा 1-2 घंटा करेंगे चले जाएंगे, ब्रिगेडियर साहब को लगा, लेकिन वो शूट एक्सटेंड होते ही गए, काम ख़त्म नहीं हुआ, एंड समबडी केम एंड शी दे आस्क्ड मौसमी चटर्जी फॉर अ फोटो, एंड शी बीइंग मौसमी चटर्जी शी डिक्लाइंड देम, and the lady of the house, brigadier's wife, felt so bad कि उसने 5 मिनट में पूरी यूनिट including सुरेश ओबरॉय, आयशा, मौसमी जी, सबको घर से बाहर निकाल दिया। लाइक इट वॉज एन ऑर्डर, लीव द हाउस। सो दैट आई वॉज वेरी न्यू, मेरी ये सेकेंड मूवी थी, इट वॉज वेरी वियर एंड वी डिड नॉट नो, ठंड में रानी खेत में हमारे होटल इतनी दूर और काम खत्म नहीं हुआ, उसने निकाल दिया सबको घर से बाहर। तो हम बात करते करते हम आपकी ख्वाबगाह में आ गए। ये छोटा सा हमारा ख्वाबगाह नहीं, आरामगाह है, जहाँ थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। डेली सोप एक्टर्स हैं तो आपको तो पता ही है 13-13 घंटे की शूटिंग होती है, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ कमर सीधी कर लेते हैं रात को आने के बाद। यहाँ पर कमर सीधी करने के साथ साथ फिटनेस का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। अरे ये है ये सब चीज़ें, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये जो है ना, आई डोंट ट्रैवल विदाउट दिस, ये कहते हैं डिप स्टैंड, बड़ी काम की चीज़ है भाई, यंगस्टर्स को भी रेकमेंड करूंगा, ये अपने साथ रखिए। Okay, वैसे आपके वार्डरोब में ऐसा क्या है कि जो आप ज़्यादा फ्लॉन्ट करना पसंद करते हैं? यार आई एम मोर ऑफ अ टी शर्ट पर्सन, तो टी शर्ट्स तो भरे हुए हैं वार्डरोब में, और दूसरा शूज़, या सो शूज़ है काफ़ी, और भी हैं 1-2 वहाँ पे भी शूज़ के ड्रॉज हैं, ये सारे ड्रॉ जितने भी यहाँ पे हैं सब शूज़ से ही भरे हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शूज़, बूट्स, एंड वेरी अनटाइडी, आई एम वेरी अनटाइडी मैन, इट्स ऑल स्टफ्ड विद दैट। खांसी आ रही, कुछ तो तड़का लग रहा है किचन में। हाँ किचन में कुछ बन रहा है अभी, हमारे जो खाला जो हमारे यहाँ खाना बनाती हैं और सारे काम देखती हैं, तो वो क्या बना रहे हो खाला? पुलाव बना रहे। लो पुलाव बन रहा है, किसका? चिकन मटन वेज? चिकन पुलाव बनने जा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि आतिश भाई और कलीम भाई रुकेंगे और थोड़ा चिकन पुलाव खा के जाएंगे, खुशबू अच्छी आ रही है।
वैसे आपको अपने किचन की चीज़ों के बारे में कितना पता है? यार देखो, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, चाय, ये मुझे पता है कि ये चाय का डब्बा है ना, ये चाय का मुझे पता है। प्लस जो मेरी कमज़ोरी है, ये कॉर्नफ्लेक्स, तो ये कॉर्नफ्लेक्स मुझे पता है कहाँ रहते हैं। बाकी छोटे मोटे मसाले वसाले पता रहते हैं, नमक वमक कहाँ, मिर्ची है जो, ये मैं हैं। और अंडे जो मैं बहुत शौक से खाता हूँ, एनी टाइम आई प्रेफर एग, हालांकि अंडे कम क्यों हैं, तो अंडों का मुझे पता है कि यहाँ मिलेंगे। सो बेसिक बेसिक चीज़ें मुझे पता है और मैं बना भी लेता हूँ। सो आई एम नॉट डिपेंडेंट, लाइक यू नो, आई एम प्रेटी मच ओके विद इट, मैं बना लेता हूँ अपनी कुछ चीज़ें। फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस आपका? अरे बहुत अच्छा रहा यार, बट इट वॉज मैगी नूडल्स। तो नूडल बनाना था, लेकिन वो उसको प्रॉपर पेपर वेपर डाल के, थोड़ा मिर्ची का पाउडर डाल के, कुछ वेजिटेबल्स डाल के, सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड एवरीबडी वॉज हंग्री बेसिकली। माई फ्रेंड्स वर देयर, वी हैड लाइक अ गाइस बैचलर काइंड ऑफ अ पार्टी, सो एवरीबडी लव्ड इट बिकॉज दे वर वेरी हंग्री। वैसे आपको एक्टिंग का कीड़ा कब काटा? कीड़ा? अरे क्यों आप लोग मानते हो कि एक्टिंग का कीड़ा होता है? मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मेरा जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है और बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, तो इसका शौक मैं बोलूँगा, कीड़ा नहीं बोलूँगा। इसका शौक मुझे कॉलेज से ही लग गया था। मैं बम्बई का ही हूँ, सॉरी बम्बई था, अब मुंबई हो गया है, लेकिन क्योंकि हम जब पैदा हुए थे, बड़े हुए थे, तो ये बम्बई था, इसीलिए मुझसे बम्बई निकल गया। तो इसी सरजमीन का हूँ जहाँ पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। तो कॉलेज से ही इसका शौक चढ़ा, और मेरे कॉलेज में बड़ा फिल्मी सा माहौल था। मेरे जो कॉलेज मेट्स थे, उसमें बॉबी डोवेल, अजय देवगन, रवीना टंडन, भाग्यश्री, एक बड़ा फिल्मी सा माहौल था। एंड इनफैक्ट बॉबी एंड मी वी वर क्लासमेट्स। तो आइए कुछ हम बम्बई के दर्शन भी थोड़े से कर लेते हैं इसी बहाने। वैसे इमरान सर, तब की मुंबई और अब की मुंबई में कितना फ़र्क आ चुका है? तब बम्बई था, बॉम्बे था, अब मुंबई है। बट वो क्या है, वो रोज़ कॉल्ड बाय एनी नेम स्मेल्स द सेम। तो मुंबई तो मुंबई ही रहेगा, आप इसे जिस नाम से भी पुकारो। बाकी फ़र्क तो आ गया है, जहाँ जहाँ भी आप देखो, पहले ये सब था ही नहीं। ये हाई राइजेज बड़ी हमारे जो खासियत थी शहर की, छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स हुआ करती थी जब हम छोटे थे, 4 माले, 5 माले, 7 माले की बहुत से बहुत। अभी देखो हर जगह ये हाई राइजेज आ रही हैं, ये मेट्रो जा रही है, ये मेट्रो का फ़र्क, अगर आपको मेट्रो मिल रहा है तो ये मेट्रो शुरू हो गया यहाँ से। और ऑन अ क्लियर वेदर यू कैन इवन सी द बांद्रा वर्ली सी लिंक का जो ब्रिज है, वो भी नज़र आता है ऑन अ क्लियर डे। और इस तरफ समंदर भी है, जो इतना अभी पोल्यूशन है फिज़ा में, तो आपको समंदर नज़र नहीं आता, वरना सामने समंदर नज़र आता है। दिस साइड इज़ वर्सोवा। सो फ़र्क है, लोग अच्छे हैं, लोग हमेशा बॉम्बे के, मुंबई के लोग बड़े अच्छे थे, एक दूसरे को स्पेस देते हैं ज़िंदगी जीने का। जो ख़ास बात है बॉम्बे की, कि आप क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं हो, आपको यू गिवन योर स्पेस टू लिव, द लिबर्टी टू लिव द लाइफ द वे यू वॉन्ट टू लीड। दैट हैज़ बीन द बेस्ट पार्ट ऑफ मुंबई, एंड दैट पार्ट इज़ स्टिल अलाइव। This is what I like because I was born in Mumbai. I like this about my city. बहुत सारी बातें हो गई, तो अब आखिरी सवाल, आपका अलविदा कहने का कोई खास तरीका? तो डिपेंड करता है आप किसको अलविदा कह रहे हो। कोई माशूक हो तो उसको यूं कर देते हैं, और कोई पुराना साथी हो तो उसको कोई शेर व शायरी में कह देते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। तो इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र करते हैं, एंड खुदा हाफिज़ कह देते हैं। तो आपसे भी इसी उम्मीद में कि बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, थैंक यू।